Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just to. Hello guys, welcome back to Shaluda Daily Box. I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और आज है हमारा इंडिया में लास्ट डे और हम मिस करेंगे इस छोटे से बंदर को अपना. अच्छा अच्छा मामी कमीने बोल दे मामी. और एक प्यारा सा बच्चा है ये, बोल मामी मामी. वो मेरा बच्चा यहाँ पर. अब मैं मुझे तो बोल देना पता नहीं क्या. बोल मामी मामी. मैं हो चुकी हूँ रेडी कॉटन पहन के. कैसी लग रही हूँ गाइस? मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हैं ये सब. देख लो कितने बदतमीज. एंड अब हम बैठ चुके हैं अपनी कैब में और मुझे इंडिया से वापस आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. और वैसे भी अब होली आ रही है और फेस्टिवल टाइम पर इंडिया में तो अलग ही एक एनवायरनमेंट रहता है. और फ्रेंड्स मुझे तो होली खेलना बहुत ही पसंद है. और आपको किस किस को होली खेलना पसंद है, किस किस को होली फेस्टिवल बहुत ही अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वो कमेंट्स ज़रूर करें. एंड ये व्यू है एयरपोर्ट से पहले का, जो वॉल पर पेंटिंग कर रखी है मेटल एंड कलर के साथ, जो देखने में लग रही है काफ़ी ब्यूटीफुल. एंड आगे है ग्रीनरी जो कितना सुंदर लग रहा है, पूरा फ्लावर से सजा रखा है. और हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और हम एंट्री करने वाले हैं टर्मिनल 3 से. और फ्रेंड्स हमारी फ्लाइट हो चुकी है डिले 1 आवर्स और हमको 1 घंटा वेट करना होगा. और अब हमने अपना लगेज रख दिया है ट्रॉली में और अब हम अपना लगेज लेके चल दिए हैं बोर्डिंग पास एंड लगेज टिकट के लिए. और आफ्टर बोर्डिंग पास हम आ गए हैं लाउंज में. यहाँ पर खाने की खुशबू अच्छी आ रही है, देखते हैं क्या क्या है. ओ यहाँ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड, आप देख सकते हैं कितने टाइप का सैलेड है और चाइना डिशेज. और यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों के लिए अवेलेबल था खाना, दाल राइस एंड सब्जी पनीर. एंड यहाँ पर है कुछ नट्स और भेलपूरी नमकीन एंड ये हैं सम स्वीट्स. और मैंने यहाँ पे लिया वाइट पास्ता एंड चिली पास्ता और जो टेस्टी था. और मेरे को थोड़ा चाइनीज़ खाने का मन था इसलिए मैंने वाइट पास्ता लिया और रेड चिली पास्ता लिया. और निक्की ने लिया है दाल चावल एंड सब्जी और ये मैंने कुछ फिर बाद में स्वीट्स ली. और अब हम खाना खा के आ चुके हैं बाहर लाउंज से. और दिल्ली एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और ये व्यू है एयरपोर्ट का. और यहाँ पर चल रही है रामायण, ऊपर स्क्रीन में आपको शायद ये छोटी छोटी सी पट्टी पर शो हो रही है. और यहाँ पे व्यू तो बहुत ही सुंदर है और आपको इसमें काफ़ी सारी शॉप मिलेंगी. अगर आप किसी के लिए कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एयरपोर्ट पर, कुछ भी सब कुछ मिलता है एयरपोर्ट पर. और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, ग्रीनरी भी काफ़ी है.
और ये बना हुआ है एयरपोर्ट इंटरनेशनल, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्टैचू। आई थिंक ये स्टैचू है बुद्ध जी का, बुद्ध भगवान जी का। और अब हमारा हो चुका है बोर्डिंग टाइम, तो अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। और इस बार मुझे खुशी है कि मुझे विंडो सीट मिली है। और जिस टाइम मैं दुबई टू इंडिया वापस आ रही थी दुबई से इंडिया के लिए, उस टाइम मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी। उस टाइम मेरे साथ हुआ था बहुत बड़ा धोखा और मैं बहुत दुखी भी हुई थी। और अब हमारी फ्लाइट करने वाली है टेक ऑफ। और ये व्यू है ऊपर से फ्लाइट का, इवनिंग टाइम का। टाइमिंग होगा 6:30 के आसपास। और जो नीचे तो हो चुका था अंधेरा और थोड़ा थोड़ा फॉग भी था, और ऊपर जो है थोड़ा आसमान क्लियर था। और अभी रात हो चुकी है। A few moments later. थ्री टू फोर आवर्स कैसे बीते हमें पता ही नहीं चला। और मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी फील नहीं हो रही थी, बिकॉज टेक ऑफ के बाद मैं सो चुकी थी। फ्लाइट के अंदर की ज़्यादा क्लिप हम नहीं ले पाए। एंड अब टाइम आ चुका है फ्लाइट लैंडिंग का, सो हमने ली है कुछ क्लिप दुबई नाइट व्यू की। कैसी लग रही हैं जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स में बताइएगा फ्रेंड्स। एंड हमें तो लग रहा है ऊपर से बहुत ही सुंदर दुबई, पूरे में लाइट की टिमटिमाहट, रंग बिरंगे लाइट, जो ऐसे लग रहा है जैसे दीपावली में दिए जलते हैं। और अब हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है। So guys, finally हम पहुंच चुके हैं दुबई। अब हम निकल गए हैं रूम के लिए टैक्सी बुक करके। एंड आप देख पा रहे होंगे वीडियो में बुर्ज खलीफा नाइट शो, जो अभी बहुत छोटा छोटा दिख रहा है और आगे जाके बहुत अच्छे से दिखाई देगा वीडियो में। बुर्ज खलीफा बहुत अच्छे से दिखने वाली है क्योंकि उसमें नाइट शो चल रहा था। ये देखिएगा, वो दिख रही बुर्ज खलीफा। फाइनली हम रूम पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपना लगेज निकाल रहे हैं गाड़ी से, क्योंकि 3-4 बैग हो रहे थे। और
और यहाँ पर हमने मॉर्निंग में ही ऑर्डर कर दी थी वेजिटेबल एंड ग्रॉसरी जो कुछ भी हमें नीड थी, तो वो भी हमारी आ चुकी थी, वो भी रखी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।